कि किसी की बिल्ली के बच्चे को शुरू से ही अपने कब्ज़े में ले लेना ताकि ये शुरू से घर वालों से मानूस हो जाए, तो इसकी क्या शरई हैसियत है? तो ये आपको बताया था कि जिस तरीके से पहला क्वेश्चन यही था इससे पहले वाला कि बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बाज़ औक़ात घर में बिल्लियों की तादाद के इजाफे के खौफ की वजह से या गंदगी के खौफ की वजह से उन बच्चों को माँ से कम सीनी की उम्र में ही जुदा कर दिया जाता है। तो हमने मना किया था कि ये एक जुल्म की सूरत है, या तो आप घर में पालें नहीं, और पालें तो फिर नस्ल बढ़ाने का एहतमाम ना नहीं होना चाहिए, और अगर हो गया तो फिर उसको कम से कम जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते माँ से जुदा ना करें, वरना एक जुल्म की सूरत होगी। अब इसी का ज़िमनन वही जवाब है कि अगर बिल्ली के छोटे बच्चे को घर में रखते हैं तो लाजिम बात है पहले माँ से जुदा किया, तभी तो आपने पाला। तो अपने एक ज़ाती मफाद के लिए किसी जानवर को तकलीफ़ में मुबतला करना दुरुस्त नहीं। जानवरों में भी शऊर होता है, इनमें भी हिस होती है, अगरचे अक्ल नहीं होती, शऊर होता है। यही वजह है कि अगर बिल्ली के बच्चे को उठाएं तो देखें वो पंजा मारेगी, शेरनी के बच्चे को उठाकर देखें वो फाड़ देगी। इसका मतलब है कि इनको एक शऊर हासिल है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। एक इन्होंने कहा कि जब घर में जानवर पालें तो क्या उसकी दवाई वगैरह का भी, दवा वगैरह का, मेडिसन्स का लिहाज रखना ज़रूरी है? देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम घर में कोई जानवर पालो तो उसको दिन में 70 बार दाना पानी दिखाओ। 70 बार से मुराद है बकसरत, ताकि वो भूखा प्यासा ना रहे। गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म और आपका मिजाज नज़र आता है वो ये कि जब जानवर तुम्हारे कब्ज़े में है तो उसका ख्याल करो खाने पीने का। तो इलाज भी एक ख्याल के ही ज़ुमरे में आता है, और यकीन सी बात है जानवर अगर बीमार हो जाए वो बेचारा ख़ुद अपना इलाज नहीं कर सकता, ना हम उसको बाहर छोड़ते हैं क्योंकि वो हमारे साथ मुक़य्यद है, तो फिर इलाज की ज़िम्मेदारी भी हम पर ही होगी।